रूस से S-400 एयर डिफेंस डील के बाद भारत ने इसराइल के आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी डील की है। सरकारी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI को $777 मिलियन का अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके तहत ये इजरायली कंपनी भारतीय नौसेना के 7 शिप को LRSAM एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करेगी। कंपनी की ओर से बुधवार को ये जानकारी दी गई। IAI ने बताया कि प्रोजेक्ट की मुख्य कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ उसने ये डील हासिल की है। आपको बता दें कि LRSAM बराक 8 फैमिली का पार्ट है, एक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इसराइल की नौसेना के साथ भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना करती है। IAI ने कहा है कि इस डील के साथ ही बराक 8 की सेल्स पिछले कुछ वर्षों में $6 अरब तक पहुंच गई है। IAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमरिस शेफर ने कहा है कि भारत के साथ हमारी साझेदारी वर्षों पुरानी है और अब हम संयुक्त रूप से सिस्टम के विकास और प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत IAI के लिए एक बड़ा मार्केट है। ऐसे में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हम भारत में अपनी पोजीशन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और पुराने सहयोगी रूस के साथ साथ इजराइल भारत के लिए हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर में से एक बनकर उभरा है। पिछले साल IAI ने इंडियन आर्मी और नेवी को मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के लिए करीब $2 अरब की डील की थी। इसके बाद BEL के साथ मिलकर $630 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए किया गया था। आपको बता दें कि बराक 8 को IAI ने इसराइल के रक्षा मंत्रालय, भारत के DRDO, दोनों देशों की नौसेनाओं और कई अन्य कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।